अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शासकीय स्कूल खतेड़िया सारंग की प्रधान अध्यापिका बाल किशोरी जामोद ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गांव की महिलाओं को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम विशेषकर गांव की महिलाओं को जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को भी उचित जगह मिल सके और ग्रामीण महिलाएं भी अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना सीखे और अपने स्तर से जीवन जी सके। ग्रामीण महिला आज भी इस तरह के कार्यक्रम में आने में जो हिचक महसूस करती हैं, यह उसे भी तोड़ने का प्रयास है। गांव की महिलाओं में बहुत सारे हुनर हैं, पर वह किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश की कुरीतियों, सामाजिक परंपराओं, रूढ़िवादी कारणों की वजह से चुप बैठना ही वह उचित समझती हैं। इस कार्यक्रम में गांव की सभी वरिष्ठ महिलाएं और युवतियों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मालूम है कि आज मैडम ने यहाँ पे क्यों बुलाया है? आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो महिलाओं का ही दिन है। हमारे भारत देश में महिलाओं को ऐसा मानते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भारतीय नारी अगर जीवन में कुछ करने की मन में ठान ले तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। हम गांव में रहते इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम ज़्यादा ग्रामीण महिला ये मानती है कि हम पढ़ी लिखी नहीं है तो हमें आगे नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर सारे गुण संपन्न हैं, लेकिन हम समाज की कुछ कुरीतियों के कारण, रूढ़िवादी के कारण महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि अगर कुछ मन में करने की भी चाह रखती है तो उसके मन में सिर्फ यही दिमाग में बैठा रहता है कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे गांव के लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या बोलेंगे। हमें ये सब बातें मन से निकाल देना है। अब वो जमाना नहीं रहा है। आज हमारा भारत देश बहुत उन्नति की ओर अग्रसर हो चुका है, इसलिए हम नहीं निकल पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।